नितिन 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 I'm sorry, sorry, नितिन आप धो रहे हैं अब से आखिर क्यों किया आपने हमारी बहन के साथ ऐसा हमारी बद्दू अलग है क्या आपको नितिन I'm sorry. देखो मैं समझ सकता हूँ कि तुम पे क्या बीत रही होगी बट डोंट वरी मैंने जानकी भाभी की बेल करवा दी है तुम्हारी जगह मैं होता ना मैं भी ऐसे ही बिहेव कर रहा होता जिस घर के लिए जानकी भाभी अपना सब कुछ छोड़कर आई आज उसी घर वालों ने उनको छोड़ दिया बट नाउ भाभी डोंट वरी नितिन वो दरभंगा के लिए निकल चुके हैं राजेश ने तुम्हारे साथ जो किया नितिन वो माफी लायक तो नहीं था फिर भी मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ नहीं तो प्लीज आप माफी मत मांगिए इसमें आपकी कोई गलती थी हमें बस अपनी बहन की फिक्र हो रही पता नहीं वो कहाँ होंगी किस हाल में होंगी तुम हिम्मत मत हारो नितिन वो बहुत स्ट्रांग है वो जहां भी होगी ठीक होगी पर उसका फोन नहीं लग रहा है मैं कब से उसका फोन मिलाने की कोशिश कर रही हूँ नॉट रीचेबल जा रहा है और ऐसा कभी नहीं हुआ कि जानकी ने मेरा फोन इग्नोर किया हो उन्होंने कहा था वो दरभंगा के लिए निकल गई है वो दरभंगा पहुंच गई आई एम वेरी श्योर आई थिंक तुम्हें जल्दी से वहां के लिए निकल जाना चाहिए शिखर बिल्कुल ठीक कह रहा है तुम अभी के अभी निकलो टाइम मत वेस्ट करो और किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें फोन करना बिल्कुल चिंता मत करना जाओ अब बैठी 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 शांत हो जाइए हाँ आप ना इतना भी स्ट्रेस मत लीजिए कि आप ही को कुछ हो जाए जो कुछ भी चल रहा है ना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा कुछ भी ठीक नहीं होगा सविता जो सलूक तुम लोगों ने आज जानकी के भाई के साथ किया है ना वो बिल्कुल ठीक नहीं किया और तू सविता मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कम से कम तू तो ये सब रोक सकती थी ना कभी सोच भी नहीं सकती कि मेरे घर के लोग इतना बड़ा पाप कर सकते हम कभी ये सोच नहीं सकते कि जो हुआ वो हमारे इस घर में हो रहा था हमें तो ऐसा लग रहा है कि दुनिया भर की गंदगी है ना वो हमारे घर के अंदर घुसने के लिए बेचैन है पहले जानकी और फिर उसके घर वाले हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग अगर हर्ष परेशान है दुखी है तो उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ जानकी और उसके घर वाले ही हैं अम्मा जी ये सही कह रहे हैं लेकिन माँ अब भी ये बात सही नहीं मान रही है ना वो अब भी जानकी की ही तरफदारी कर रही है राम मैंने आज तक कभी तेरे किसी काम में दखल अंदाजी नहीं की लेकिन ये घर मेरा भी है राम और इस घर की बड़ी होने के नाते अगर मेरे बच्चे गलत काम कर रहे हो ना तो उन्हें रोकना मेरी जिम्मेदारी है माँ जी हालातों को समझे बिना हमने जानकी को यहाँ रोक लिया हमको लगता है कि ये फैसला गलत था अब देखिए ना उसकी वजह से सविता जानकी गलत नहीं है गलत हम लोग हैं अरे बस माँ बस हम इसके बारे में और कुछ नहीं सुनना चाहते अपना अब जानकी के बारे में बिल्कुल मत सोचिए अभी हम उसको यहाँ आने ही नहीं देंगे उसने हर्ष की जिंदगी बर्बाद कर दी है वो चाहती ही नहीं कि हर्ष का घर बस जाए हम किसी को हर्ष की जिंदगी बर्बाद करने नहीं देंगे फिर वो जानकी हो या हमारी अपनी माँ आप स्ट्रेस मत लीजिए हाँ हम कुछ ऐसा करेंगे कि जानकी इस घर में आने ही ना पाए वो मनहूस है इस घर के लिए सही कहा तुमने मनहूस लड़की है वो सविता में हम हर्ष के लिए बहुत परेशान है पता नहीं वो कहाँ होगा किस हाल में होगा एक बार श्वेता और हर्ष की शादी हो जाए ना और वो लोग सेटल हो जाए फिर हम अपनी सारी प्रॉपर्टी सारा बिजनेस उसे दे देंगे और आगे चल के कोई परेशानी नहीं हुई तो रिटायर होके आराम से जिंदगी जिएंगे जी बिल्कुल आप ना अब जाके आराम करिए हाँ और स्ट्रेस मत लीजिए आराम से तो तब जियोगे ना जब हम आपको जीने देंगे बस
हमारा काम हो जाए, फिर हम इस घर में सबका आराम हराम कर देंगे। किसी के भी आने से पहले पूरा सामान समेट देती हूँ। क्या जवाब देंगे हम इस मुंह से कहेंगे कि हमारी वजह से वो लोग जानकी को उठा कर लेकर गए। क्या हुआ मां, आप रो क्यों रहे हैं? सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं हुआ बेटा, बस थोड़ा अकेले पड़ गए थे ना तो मन घबरा रहा था। मां, हम ना सीधा पटना से आ रहे हैं, तो यहाँ पे आए थे क्या? हाँ, नहीं, हमको तो इसके बारे में कुछ पता नहीं। मां, इस शास्त्री खानदान को हम छोड़ के नहीं, अभी पुलिस को फोन लगाते। नहीं, ऐसा मत करो, थोड़ा इंतजार कर लेते, शायद वो यहाँ आ जाए। हम अभी और इंतजार नहीं कर सकते। पापा, जीता रहे बेटा। ये सब क्या है? ये सब घर में बदलाव कहाँ से आ गया सब? आप माँ, माँ हमने पापा को फोन करके दी के बारे में बताया। बोलो। पापा की तबीयत ठीक नहीं है, तुम तो लेकिन माँ क्या चाहती हो तुम? हमारी बीमारी की वजह से हम जानकी को मर रहे थे, जानती हो ना ससुराल वालों ने क्या किया उसके साथ? पुलिस स्टेशन भिजवा दिया, झूठा इल्जाम लगाकर गिरफ्तार तक करवा रहे थे उसे। चलिए पापा, वैसी बहुत देर हो चुकी है, आप चलिए, चलिए। नहीं नहीं, मत जाइए, बहुत बदनामी होगी हमारी। पागल हो गई है तुम? जानकी का अता पता नहीं और तुम्हें बदनामी की पड़ी है? अच्छा देवी, तुम जानती हो ना कि तुम्हारी बेटी हमारे पास है? हैं? पापा, लेकिन ऐसे लग रहा है कि तुम्हें उसकी कोई चिंता नहीं है, इसलिए ये याद रखना कि पैसे कल तक मिल जाने चाहिए। जब तक हमारे पैसे नहीं मिलेंगे तुम्हारी बेटी वापस नहीं आएगी। मामा, आशा ये सब क्या है? क्या है बताओ? आशा, पापा रहने दीजिए। पापा कहा है पहले पे ये पता लगाना चाहिए। चलिए, चल बेटा। हमें आशी के पास जाना है, प्लीज हमें आशी के पास जाना है पापा। इससे अच्छा मौका हमें और नहीं मिलेगा, इस वक्त सब सो रहे होंगे। पता नहीं क्यों हमें कुछ अजीब लग रहा है, जरूर कुछ गलत हो रहा है। कहीं आशी के साथ तो नहीं? नहीं नहीं, हे भगवान, आशी की रक्षा करना भगवान, प्लीज आशी की रक्षा करना। अरे ये लाइट को क्या हो गया, जल्दी से लाइट ऑन करो। हाँ मैं कराता हूँ। अरे ये लाइट कैसे चलेगी, जल्दी चेक करो वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके 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 सर। अरे भगवान, बार बार हमारा मन कह रहा है कि आशी जरूर किसी मुसीबत में है। जब तक हम यहाँ से बाहर नहीं निकल जाते तब तक हम आशी की मदद कैसे करें? भगवान प्लीज हमें कोई रास्ता दिखाइए। यही मौका है, कर देते इसका काम तमाम। वो रहा आर्य शास्त्री, मार डालो उसे।
भगवान, क्या हो गया हमारे अर्श को? एक के बाद एक हादसे होते जा रहे हैं उसके साथ। पता नहीं कौन पीछे पड़ा है उसके हाथों के। अरे कहाँ है, कहाँ है हमारा बेटा हर्ष शास्त्री, है कहाँ? इतना बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ सिक्योरिटी का नाम निशान तक नहीं है। सबके सामने उस पर अटैक होता है और किसी को कुछ खबर ही नहीं। अगर हर्ष को कुछ हो जाता है ना, हम तुम्हें छोड़ेंगे ना इस हॉस्पिटल को। I'm extremely sorry, sir. जो हुआ बहुत unfortunate था। By chance पावर कट हुआ और जब लाइट आई तो पता चला कि हर्षी पे किसने जानलेवा हमला किया है। दादी, देखिए आप इधर आइए। हम दोबारा आपसे कह रहे हैं, अगर हर्ष को कुछ हुआ ना तो ना तुम बचोगे ना यह हॉस्पिटल बचेगा। आपको जो करना है कीजिए, लेकिन हमें हर्ष वापस चाहिए, सही सलामत चाहिए। सर प्लीज काम डाउन, मिस्टर हर्ष की सर्जरी का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, ही विल बी फाइन सून। तब तक आप लोग प्लीज पेशेंस रखिए और वेट कीजिए। बाबा, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन है जो हर्ष की जान लेना चाहेगा। जानकी की बेल हो गई है ना पापा, होना हो ये काम जानकी का ही है। ट्रस्ट में मैं हमेशा कहता हूं, वो किसी भी हद तक जा सकती है, हर्ष की जान भी ले सकती है। मेरा यकीन एकदम ठीक है, ये काम जानकी ने किया है। अगर जानकी ने ऐसा कुछ किया ना तो हम उसे फिर से जेल भिजवा देंगे और ऐसा कुछ करेंगे कि उसे जिंदगी भर के लिए बेल ना मिले। राजेश भाई, what's your problem? मतलब दिक्कत क्या है आपकी? घर में कुछ हो तो जानकी ने किया होगा, बाहर कुछ हो तो जानकी ने किया होगा। हर बात पे जानकी पे इल्जाम लगाना क्यों जरूरी है आपके लिए? अरे क्यों जान देगी वो हर्ष भाई की? उनकी जान बचाने के लिए तो हमेशा खड़ी रहती है वो। और दूसरी बात, मेरी बात सुनो, पटना में है भी नहीं वो, दरभंगा गई हुई है। तो कुछ सोच समझ के बोलो और जानकी भाभी पे इल्जाम लगाना प्लीज बंद करो, प्लीज प्लीज राजेश भाई। अरे माँ, मैंने बताया था ना वकील ढूंढा उसके लिए, खुद उसका वकील बन गया। राजेश बहुत हो गया, या हर्ष मौत से लड़ रहा है और तुम दोनों आपस में जानकी को लेकर लड़ रहे हो। ये वक्त नहीं है जानकी के बारे में सोचने का, हर्ष के बारे में सोचो। क्या हो गया ये? हर्ष की इतनी बुरी हालत होने के बावजूद राजेश के चेहरे पर जरा से भी टेंशन नहीं दिख रही। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि हर्ष पर हमला, जानकी का इस घर से निकलना, इन सबके पीछे राजेश का हाथ है। शर्म आनी चाहिए राम तुझे, तू जानकी पे शक कर रहा है। अरे हर्ष के साथ जो कुछ भी हुआ है ना, उसकी जिम्मेदार जानकी नहीं तू है, उसकी सजा भगवान दे रहा है तुझे। घर की लक्ष्मी को घर से निकालने का नतीजा पूरा परिवार भुगत रहा है। अरे मेरी गंगा जल जैसी पवित्र जानकी को कितने घर से निकाल दिया, उसके साथ कितने सारे अत्याचार किए तूने। तुझे क्या लगता है भगवान अंधा है, देख नहीं रहा है कुछ? एक बात याद रखना राम, कि कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान की राख के ढेर पे अपने सपनों का महल खड़ा नहीं कर सकता, चाहे वो कितना ही बड़ा इंसान क्यों ना हो। दादी शांत हो जाए। दादी, 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 प्लीज, प्लीज, प्लीज। बात करता है। बस 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 दादी, बस आराम से। दादी देखना देखना, हर्ष भाई बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, है ना, और जानकी भाभी भी जल्दी से घर आ जाएंगी, फिक्र मत करो। चिकर तो डॉक्टर को जाके पूछ, वो देख जाके कि हर्ष की क्या हालत है। दादी बस। सिस्टर, सिस्टर, सिस्टर सब ठीक तो है ना? प्लीज कुछ बताइए ना, क्या हो रहा है? उनकी कंडीशन बहुत खराब है, काफी खून बह चुका है, डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। दादी, दादी, सर का क्या होगा? अच्छा हुआ आप लोग आ गए, वो लोग बहुत खतरनाक लोग हैं, हमको बहुत चिंता हो रहा था। एक बात तो माननी पड़ेगी ब्रिजमोहन, कि तुम्हारी पत्नी बहुत चालाक है, लोमड़ी से भी ज्यादा। लेकिन लोमड़ी भी अपने बच्चों की हिफाजत करने के लिए किसी भी खतरों से खेल जाती है,
पर हमें लगता है कि तुम्हारी पत्नी को न तो अपनी बेटी की इज्जत और न जान की जरा सी भी चिंता है। तो क्या बोलते हो, बैठा दूसरे कोटे पे? अपनी जुबान संभाल के बात कर। तेरी हिम्मत कैसी हुई हमारी दी के बारे बात करने की? चुपचाप उसे घर वापस छोड़ते, नहीं तो चिन्ह हाथों से उसे छुआ है ना, वो तोड़ेंगे अलग और जेल में सड़ेंगे अलग। ज्यादा हाथ पांव मत चला और अपनी गर्मी को अपने काबू में रख और ठंडे दिमाग से हमारी बात सुनो। अगर तूने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की तो याद रखना कि तुम्हारी प्यारी बहन अपने घर पे नहीं बल्कि सच में किसी कोटे पे होगी। नहीं नहीं नितिन, नहीं। वैसे तो वो बहुत अच्छी है, प्यारी है, वो क्या बोलते हैं, हॉट हॉट है, तो उसके हमें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। ब्रिजमोहन संभालो अपनी औलाद को कि अपनी हद में रहे, वरना इसकी गलती की सजा इसके बहन को मिलेगी। और तुम्हारी पत्नी ने जो हमसे पैसा उधार लिया था वो कल तक हमें वापस कर दो, तब हम तुम्हारी बेटी को छोड़ देंगे। एक मिनट देखिए, हाथ जोड़ता हूं, आपको हम पूरे पैसे दे देंगे, कोशिश करेंगे कि हम पूरे पैसे कहीं से भी इकट्ठा करके आपको दे देंगे, बस हमारी बेटी को खरोच भी नहीं आनी चाहिए, उसे कुछ नहीं होना चाहिए, वरना हम इसको नहीं रोक पाएंगे और शायद हम अपने आप को भी नहीं रोक पाएंगे, समझ गए? पैसे आपको मिल जाएंगे। नितिन, हम पुलिस के पास नहीं जा सकते बेटा, ये सब हमें अपने दम पर करना पड़ेगा, समझ रहे ना तू? शिखर, शिखर डॉक्टर ने क्या कहा? शिखर मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ, क्या कहा डॉक्टर ने, कुछ बोलेगा? मैंने आपने एक बात नोटिस की। क्या? हर्ष भाई की जिंदगी में सब कुछ तब अच्छा होना शुरू हुआ जब जानकी भाभी उनकी जिंदगी में आई। पर तू कहना क्या चाहता है? जानकी भाभी के आने के बाद हर्ष भाई कितने फ्रेंडली हो गए थे ना, हर चीज में पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे आगे आने लगे। फिर एक दिन बिल्कुल ठीक हो गए। जानकी भाभी का जादू नहीं है तो और क्या है वंदना भाभी? जब हर्ष भैया को किडनी की जरूरत थी तो जानकी भाभी ने अपनी किडनी देकर उनकी जान बचाई। अभी आज मेरा भाई फिर से अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा है। ढूंढ के बाप, सब ठीक हो जाएगा। भाभी अगर जानकी भाभी फिर से वापस आ जाए तो हम शोर चमत्कार हो जाएगा ना, फिर से मेरा भाई ठीक हो जाएगा ना? भगवान करे जैसा तू कह रहा है बिल्कुल वैसा हो, वो ठीक हो जाएगा। इस वक्त हर्ष को हमारी ज्यादा जरूरत है ना, हाँ, इसलिए उसके लिए प्रे कर, वो ठीक होगा ना, सब अपने आप ठीक हो जाएगा, है ना? मुझे तो जानकी की चिंता हो रही है, इधर हर्ष पर भी किसी ने हमला किया है, उसका अचानक से ऐसे गायब हो जाना, कहीं उसे उसे कुछ हो तो नहीं गया? कुछ तो गड़बड़ है, रंगीली को बताना पड़ेगा। हे माता रानी, हमारे हर्ष ने आपका क्या बिगाड़ा था जो आप इतनी बड़ी सजा दे रही हो उसको? वो खुश था, उसकी शादी होने जा रही थी, हम सब खुश थे, और पता नहीं किसकी नजर लगी हमारी खुशियों को। माता रानी चाहे तो आप हमारी जान ले लो, लेकिन हमारे हर्ष को बचा लो। हम आपके सामने दिया जला रहे माता रानी, लेकिन हमारे हर्ष को बचा लीजिए। हम
में ऐसे क्यों लग रहा है जैसे हर्षी किसी मुसीबत में है? हे भगवान, अगर ऐसा है तो प्लीज हर्षी को बचा लीजिए, चाहे तो हमारी जिंदगी ले लीजिए, पर उन्हें बचा लीजिए।